हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी को हसपुरा टीसीपी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने वाले हैं निर्धारण ज्यामिति एक्सरसाइज 7.2। जो निर्धारण ज्यामिति का पार्ट 7 तक हो चुका है, मतलब एक्सरसाइज 7.1 हो चुका है, 7.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है। तो आज पढ़ाते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तो हो चुका है। तो क्वेश्चन छठा प्रश्न है एक्सरसाइज 7.2 का। यदि बिंदु 1, 2, 4y, 1, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज शीर्ष है तो x और y का मान क्या होगा। मतलब कहने का मतलब है प्रश्न कि चार बिंदु है और उन चारों बिंदु से एक समानांतर चतुर्भुज शीर्ष बना है और उस समानांतर चतुर्भुज शीर्ष बनने के बाद x और y का मान पूछ रहा है। तो कभी डबल मान पूछेगा और कभी सिंगल मान पूछ रहा है। तो डबल मान पूछे चाहे सिंगल मान पूछे, तरीका जो होता है उसी तरीका फॉलो करना है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं चेंज करना है। डबल मान पूछेगा तो फॉर्मूला वही लगने वाला है, सिंगल मान पूछेगा तो फॉर्मूला वही लगने वाला है। बल्कि जब सिंगल मान पूछता है तो कोई एक वैल्यू कट जाता है। कहने का मतलब कि एक्स का मान 5/2 है इधर और वाई का मान है 5+y/2। इधर एक्स का मान है 5/2 और y का मान है 7/2। तो कहा कि इसमें y का मान क्या होगा। तो जब सिंगल मान पूछता है तो एक वैल्यू आपस में कट जाता है। क्यों? क्योंकि बराबर क्या जगह चिन्ह है, बराबर है ना। तो ये x का मान है, y का मान है, ये x का मान किसका मान है। तो ध्यान से देखो दोनों टर्म में LHS और RHS में दोनों x आपस बराबर है तो ये आपस में कैसे हो गया। तो जब सिंगल मान पूछता है तो एक वैल्यू कट जाता है, बट जब डबल मान पूछता है तो कोई वैल्यू कटने वाला नहीं है। तो यहाँ तो डबल वैल्यू है तो सिंगल वैल्यू कहाँ मिलेगा। तो इसी चैप्टर में उदाहरण क्वेश्चन मिल जाएगा, उदाहरण से बनाइएगा बन जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम चित्र बना लेते हैं। तो चित्र में कह रहा है कि यदि बिंदु चार बिंदु है, चारों बिंदु को लेने पर एक चतुर्भुज बना है, कैसा समानांतर। तो बनाते हैं, ए बी सी और डी। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जो समानांतर चतुर्भुज है और समानांतर चतुर्भुज में चार बिंदु का वैल्यू दिया हुआ है। ए के वैल्यू दिया हुआ है 1, 2, बी के वैल्यू दिया है 4y, सी के वैल्यू दिया है 1, 6 और डी के वैल्यू दिया है 3, 5 दिया हुआ है। ये चारों बिंदु से एक बड़ा समानांतर चतुर्भुज। तो कहा कि समानांतर चतुर्भुज शीर्ष है तो x और y का मान क्या होगा। तो इस कौन सूत्र से बनावे कि जल्द शुरू बन जाए। तो सूत्र है, बहुत सारा सूत्र है, ये तो सूत्र है। समानांतर चतुर्भुज करने का मतलब आमने सामने के भुजा बराबर तो समानांतर होता है, मतलब उससे बनेगा तो बहुत लंबा जाने वाला है। तो एक मतलब कुछ लॉजिक होता है तो ध्यान रखो। समानांतर चतुर्भुज में दोनों बिकर एसी बिकर और कौन बिकर बीडी बिकर। समानांतर चतुर्भुज में दोनों बिकर परस्पर एक बिंदु पर समविभाजित होता है। माने कौन बिंदु है, ओ। कहने का मतलब एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण दोनों परस्पर एक बिंदु पर समविभाजित करने का मतलब कि बराबर दो भाग में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि एसी विकर्ण का मध्य बिंदु ओ है और बीडी विकर्ण का मध्य बिंदु कच्ची है, तो दोनों का मध्य बिंदु आपस कच्ची है बराबर है। तो जहां समानांतर चतुर्भुज में एक्स और वाई का मान पूछे या पी का मान पूछे तो ध्यान देना, क्योंकि हम जानते हैं कि
समांतर चतुर्भुज का बीटा दोनों है, एसी बीटा होना चाहिए बीडी। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज के बीटा परस्पर क्या करते हैं, समविभाजित करते हैं, मतलब समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है वो परस्पर समविभाजित करने का मतलब दो बराबर भाग में बांटते हैं, तो इसलिए विकर्ण एसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसलिए विकर्ण एसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर जो विकर्ण एसी का मध्य बिंदु है वह विकर्ण बीडी बराबर विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु का निर्देशांक। मतलब ये दोनों चीज ध्यान से सुनना है, मतलब जब कहे कि चार बिंदु से समांतर चतुर्भुज बना और उस समांतर चतुर्भुज में एक्स और वाई का मान क्या होगा या पी का मान क्या, सीधा पूछे चाहे डबल पूछे, तो ये दो बात ध्यान देना कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समविभाजित करते हैं, तो जब समविभाजित करता है तो दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु आवश्यक है बराबर है, तो इसलिए विकर्ण एसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु निर्देशांक आपस में क्या है बराबर है, तो जब दोनों बिंदु का निर्देशांक आपस में बराबर है तो फॉर्मूला जानता है मध्य बिंदु क्या होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। तो पहले जानना तो जल्दी से नोट पर उतारे या स्क्रीन शॉट कर दीजिए। चल देखो तो दोनों विकर्ण का मध्य बिंदु आपस रचित था बराबर था, तो फॉर्मूला जाता है एक्स वन प्लस एस टू बाई टू कोमा वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, यह मध्य बिंदु सूत्र है किसके विकर्ण के लिए, एसी विकर्ण के लिए बराबर था तो बराबर। अब कहते हैं विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु के लिए, तो बता फॉर्मूला चेंज होने वाला है, तो बीडी के लिए फॉर्मूला हो रहा है एक्स वन प्लस एस टू बाई टू और वाई वन प्लस वाई टू बाई टू हो रहा है। अब चलते हैं सूत्र पर, देखो एक्स वन प्लस एस टू बाई टू एक्स वन का मान चाहिए, तो एक्स वन का मान चाहिए तो विकर्ण एसी के लिए एसी, तो एक्स वन का मान वन एस टू का मान टू, एक्स वन का मान वन और वाई वन का मान तो एक्स वन वन वाई वन टू एस टू छ एक्स और वाई टू छ, तो एक्स वन तो एक्स वन का मान वन प्लस एस टू तो विकर्ण एसी में एस टू लेता है बटा टू कॉमा y1 एसी में चला है तो y1 का मान है दो प्लस और y2 का मान है बाई टू बराबर। अब चलते हैं विकर्ण bd के लिए, तो bd तो x1 का मान है चार प्लस और s2 का मान है थ्री बाई टू कॉमा एक्स वन वाई वन एस टू वाई टू, तो वाई वन का मान है वाई प्लस और वाई टू का मान है पांच बटा टू। अब इसको आने हल करते हैं, तो ध्यान वन प्लस एक्स बाई टू कभी जुटे नंबर चार अच्छा दोनों तो नहीं कुछ हो रहा, तो वन प्लस एक्स बाई टू कोमा छ और दो आठ बाई टू बराबर चार तीन सेवन बाई टू कोमा इन नंबर में जुटेगा तो y प्लस फाइव बाई टू। अब ध्यान यह x का मान है ये y का मान है, यह x का मान है ये किसका मान है y, तो x का मान और y का मान x का मान और y का मान आपस में क्या चीज है बराबर है, तो जब आपस में बराबर है तो ध्यान दे रहा है जब यहाँ डबल बार पूछ रहा है तो कोई पद नहीं कट रहा है कट रहा है पूरा पूरा, बल्कि जब यहाँ सिंगल मान पूछता सिर्फ पूछता x खाली x पूछता तो ध्यान देना कि कोई ए उत्तर आपस में कट जाएगा, एक्स कटेगा चाहे वाई कटेगा जरूर कटने वाला है, तो क्वेश्चन इसका मिलेगा उदाहरण में मिलेगा उदाहरण से बनाना सिंगल मान के लिए। तो देखो यह एक्स का मान है वन प्लस एक्स बाई टू बराबर
इधर एक्स का मान इतना है और इधर एक्स का मान 7/2। अब पता है दोनों आपस में कैसी है, बराबर ना है, तो इसका एक्स का मान इससे एक्स का मान कैसे होगा बराबर होगा। इसका वाई का मान इसके वाई का मान कैसे होगा बराबर मतलब एक्स का मान एक्स के साथ है और वाई का मान वाई के साथ बराबर कर देना है। और बराबर जैसे किए तो ध्यान दो, दो से दो तो बस दिया 1 + x 1 + x = 7। तो x बराबर 7 ये प्लस में है तो माइनस में, तो x बराबर 6। इधर आओ, दो से दो तो बच गया 8 बराबर y प्लस 5। तो y बराबर 5 प्लस में इधर आया तो बच गया 8 - 5 तो y बराबर 3। तो x का मान 6 आया और y का मान 3। ये हमारा तो जल्द सो ले सी सोख ले एक कॉफी बाय कर ले जल्द। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी क्रमशः -2 - 2 और 2 - 4 है तो बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P बिंदु AB रेखाखंड पर स्थित है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले इसका चित्र बना लेते हैं और कुछ तरीका फॉलो करते हैं। तो देखना, एक A बिंदु है और एक B बिंदु है। A बिंदु का वैल्यू दिया है -2 - 2 और B बिंदु का वैल्यू दिया है 2 और -4। तो ए और बी दो बिंदु है और दोनों बिंदु है तो बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब प्रॉब्लम फंस गया है कि बिंदु पी इधर हो रहा कि बी की तरफ हो रहा कि बीच में हो रहा, कोई पता नहीं चल रहा है। भाई जब आगे बढ़ेंगे तो कुछ तो मिलेगा ताकि एपी बराबर 3/7 AB हो और पी रेखाखंड एबी पर स्थित है। मतलब जो पी बिंदु है वह एबी रेखाखंड के पर स्थित है। किस रूप से कर लेते हैं, ए और बी क्रमशः इतना है, ए और बी दो बिंदु है, बिंदु पी का वैल्यू क्या होगा ताकि एपी बराबर 3/7 AB और पी बिंदु किस रेखा पर स्थित है एबी पर स्थित है। तो यह इसका बना चित्र, और जब चित्र बन गया तो ध्यान देना कि इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। तो ध्यान सुना, इस एबी रेखा में पी बिंदु है तो पी बिंदु रेखा बना ना है कि बीच बीच है कि किनारा है कि कने है, यदि बीच बीच रहता है तो बीच बीच तो मध्य बिंदु सूत्र आसानी से निकाल देते हैं। बड़ी अपने से नॉलेज लगाओ कि जब मध्य बिंदु से निकालने के लिए देता तो इस टाइल पी देता, ये तो कुछ दिया है ना, तो इसका मतलब पी न बीच में है, बीच बीच पूरा नहीं है, थोड़ा सा बीच बीच में साइड हो रहा है चाहे बीच बीच से इधर हो रहा है, मतलब एक की तरफ हो रहा चाहे बी की तरफ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह बना सकते हैं, तो ध्यान देना, ये तो इसका चित्र बन गया, ये दिया हुआ चीज इसको ध्यान देना है। तो एपी बराबर 3/7 AB दिया हुआ है, तो पहले तो एबी गुणा में दे देना कुछ होगा तो भागा में बराबर 3/7 ए भी गुना में है, कैसे आएगा भागा में, और जैसे ही गुना के भागा में टर्म लाए तो ध्यान देना एपी का मान 3 और एबी का मान 7। तो ध्यान दो, एपी का मान 3 और एबी का मान पूरा कितना 7। तो इससे एक ही अनुभव पता चला कि कुछ संकेत करा अनुपात, मतलब जो P बिंदु है एपी को बांट रहा है 3 अनुपात में और एपी को बांट रहा है 7 अनुपात में। अब पता हो रहा कि जब A बिंदु और B बिंदु है और कोई बीच में बिंदु है C बिंदु, तो एबी रेखाखंड को C बिंदु M अनुपात N में डिवाइड करता है और M अनुपात N हमेशा आधा बाय आधा होता है, कभी आधा बाय पूरा नहीं होता है।
तो इस क्वेश्चन में ध्यान दो कि एपी का मान दिया है 3 और एबी का मान दिया है 7, तो मतलब आधा वाला दिया है कि आधा बटा पूरा दिया हुआ है, तो जब भी एम अनुपात एन होगा तो आधा बाय आधा होगा, आधा बाय पूरा होने वाला नहीं है। तो पहले हम इसको सही करते हैं, तो ध्यान रखना एपी 3 ये तो सही है, बल्कि ए बी दे दिया, यदि पी बी का मान आ जाएगा तो हम आसानी से लिखा सकते हैं। तो दे रहा हूं पी बी का मान क्या होता है, पी बी बराबर, तो पी बी किस लिख गए यार, तो बता पूरा भार है ए बी, पूरा भार है माइनस ए बी में से एपी को कैंसिल करो, एपी में से एपी को कैंसिल करेंगे तो किसका मान आएगा पी बी का मान, और एपी का मान है 7 और एपी का मान है 3, तो 7 में से 3 का कितना हो जाएगा 4। तो अब पता चल गया कि इस रेखा खंड को पी बिंदु एम अनुपात ए से बताए एपी का मान है कितना 3 और पी बी का मान है कितना 4। कहने का मतलब इस प्रश्न में जो दिया हुआ है गलत दिया, कहीं अनुपात हमेशा आधा बाय आधा होता है, तो आधा बाय आधा जब होता है तो पूरा आधा दिया तो पूछिए गलत सही है, तो ए बी गुना में था तो भागा मिला है 3/7 बन गया, एपी का मान 3 दिया हुआ सही है, एबी का मान दिया 7 बड़ी गलत है, हमको चाहिए एपी बटा पीबी, और एपी बटा पीबी निकालने के लिए हमको पीबी का मान निकालना पड़ेगा, तो पीबी पीबी पूरा भाग में से एपी को हटाते हैं तो बच जाएगा 7-3 बराबर कितना 4। तो एम अनुपात ए एपी जो रहा है वो एम है और पीबी जो रहा है एन है, तो एम बटा एन बराबर एपी का मान है 3 और पीबी का मान है 4। तो जब एम अनुपात ए मिल गया और बता चुके हैं कि जिस क्वेश्चन में एम अनुपात एन या अनुपात पूछता है या अनुपात लग गया प्रश्न में तो फॉर्मूला होता है अंतर विभाजन सूत्र, तो अंतर विभाजन सूत्र से x बराबर एम एस टू प्लस एन एक्स वन बटा एम प्लस ए, होता है एम का मान 3 एस टू आई एस टू एक्स वन वाई वन एस टू आई टू, तो एस टू का मान 2 प्लस एक का मान 4 एक्स वन का मान है -2 बटा एम का मान 3 और एम का मान कितना होगा 4, 3×6 प्लस माइनस 8 बटा 4×3 7 बताओ प्लस 6 और माइनस 8 तो -2/7, तो यह मान निकला एक्स का मान, अभी किसका मान निकालना है वाई का मान निकालना है, तो जल्द से इसको स्क्रीनशॉट ले हम आगे को बताते हैं। तो एक्स का मान आ चुका है, अभी डालते हैं वाई का मान, तो वाई फॉर्मूला होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा एम प्लस ए, तो एम का मान है 3 वाई टू का मान है -4 एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू प्लस एन का मान है 4 वाई वन का मान है -2 बटा एम का मान 3 और एन का मान 4 4×12 माइनस में प्लस माइनस माइनस 4×8 बटा 4×3 7, तो बताओ माइनस माइनस प्लस तो 12×8 20 तो -20/7 हमारा आंसर नहीं हुआ है, ये तो एक्स्ट्रा वन वाई का मान निकला, इसलिए तो किस बिंदु का वैल्यू पूछा था, तो इसलिए पी बिंदु का निर्देशांक तो एक्स का मान आया है -2/7 और वाई का मान आया -20/7, यह हमारा आंसर। तो एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न नंबर 7 और 8 इसमें बताए, इस चैप्टर में 2 और प्रश्न बचा हुआ है 9 और 10 और शेष उदाहरण, तो उदाहरण को खुद अपने से बनाना है, कल जो एक्सरसाइज में प्रश्न रहता है वही उसका उदाहरण रहता है, अपने से बनाएगा तो थोड़ा सा पता चलेगा
कि कितना हम सीधे और कितना नहीं सीधे। समझ में जरूर आया होगा, वीडियो को आगे पीछे करके जरूर देखेगा। अब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी जरूर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा फैलाए आप ही का फायदा है और मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। थैंक यू।